हेलो फ्रेंड्स मैं दत्ता डेमकर आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है ओम साटो गैरेज दोस्तों आज हम इस फोर स्ट्रोक्स स्प्रे पम्प का स्टार्टर रिपेयर करने वाले हैं जिसकी ये रस्सी पूरी तरह से टूट चुकी है पहले मैं इसके चारों एलंग नट ओपन कर लेता हूँ उसके बाद ये स्क्रू हमें ओपन कर लेना है दोस्तों इसकी स्प्रिंग भी निकल चुकी है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं हो रहा था इसकी स्प्रिंग भी बेंड हो चुकी है इस जगह पर ये बेंड है उसे पहले सीधा कर लेते इस जगह पर थोड़ा बेंड कर लेना है अब हमें इस स्प्रिंग को इस तरह से जमा कर लेना है एक बार इसे बाहर खींच के स्प्रिंग को टेंशन दे दे। अब इस स्प्रिंग को स्टार्टर में इस प्रकार से ये लॉक लगाकर ये स्प्रिंग इस जगह पर प्लेस करनी है अब ये स्प्रिंग अंदर के साइड को स्टार्टर को जो होल है उसके पास बैंड करनी है अब हमें इस रस्सी को गर्म करके थोड़ा इस तरह से प्रेस करना है और ये रस्सी यहाँ से होके इस प्लेट में से बाहर निकल के इसे इस तरह से लॉक कर लेना है अब ये स्प्रिंग का लॉक इस जगह पर लॉक करना है इस तरह से इसे इस जगह पर लगाना है उसके बाद ये स्प्रिंग लगानी है उसके बाद ये पार्ट लगाना है उसके दोनों तार दोनों साइड से इस स्लोट में लगाने हैं उसके बाद ये स्क्रू वॉशर के साथ लगाना है अब हमें इस रस्सी को यहां पर जो स्लोट है उस जगह से बाहर निकालकर रस्सी के साथ इस स्टार्टर को घुमाना है जिसकी वजह से स्प्रिंग में टेंशन आएगा और स्प्रिंग को टेंशन आने के बाद ये रस्सी अपने आप अंदर खींचे जाएंगी दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद